हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम डायरेक्ट आपको नहीं बताएंगे कि क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगर हम आपको डायरेक्ट बताएंगे तो उसके अंदर कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो सर्कुलर फ्लो भी डिटेल में आपको समझ में नहीं आने वाला। तो हम एक पहले इंट्रोडक्शन देंगे, पूरा डिटेल्ड इंट्रोडक्शन देंगे, फिर आएंगे व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, नया टॉपिक है तो ध्यान से देखिएगा। We all know that production is a continuous process because of unlimited and recurring wants of human being. देखिए, हम लोग को सबको पता है कि जो production है वो continuously चलता रहता है। क्यों चलता रहता है? इसके पीछे एक reason है। Reason क्या है? कि जो demand है लोगों की वो unlimited है और बार बार recurring है। डिमांड लोगों की अनलिमिटेड है और recurring है। एक बार हमने बिस्किट का पैकेट कंज्यूम किया, कुछ दिन बाद फिर अगेन एंड अगेन, ऐसे डिमांड जो है बार बार अराइज होती रहती है। इसकी वजह से प्रोडक्शन जो है कंटिन्यूअसली होता रहता है। प्रोडक्शन इज कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, एंड पेमेंट इज मेड। अब देखिए, जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कैरी आउट की जाती है वो किसी की हेल्प से की जाती है। उस हेल्प का क्या नाम है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन करने में जो हेल्प कर रहे हैं। कौन कौन सी चीजें हेल्प कर रही है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं प्रोडक्शन में। एंड पेमेंट इज मेड। अब इन लोगों की हेल्प ले रहे तो इनको पेमेंट भी देना होगा। पेमेंट किस फॉर्म में देते हैं? लैंड को रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस और सैलरी, कैपिटल के अगेंस्ट इंटरेस्ट, एंड एंटरप्राइजेस में क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये तो रहा हमारे एक इंट्रोडक्शन जिसमें से हमें दो चीजें पता चली, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट। ये दोनों याद रखिएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइजेस, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये चीजें हमें याद रखनी है। तो अभी हमें दो बेसिक टर्म पता चले इंट्रोडक्शन से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट। अब हम सर्कुलर फ्लो की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सर्कुलर फ्लो समझने के लिए पहले हमें कुछ सेक्टर्स पता होने चाहिए कि इकोनॉमी में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं। तो देखिए, ब्रॉडली अगर देखा जाए तो चार सेक्टर होते हैं। फर्स्ट इज योर फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। फर्म क्या करता है? प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने यहां देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है? हाउस होल्ड मतलब हम लोग जो कमा के स्पेंड कर दे रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, वो क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है। किससे खरीदता है? फर्म से खरीदता है। फिर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स और सब्सिडीज देती है, टैक्स कलेक्ट करती है और सब्सिडीज देती है, ग्रांट करती है। फॉरेन सेक्टर का रोल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में होता है। तो देखिए, हमें अभी चार सेक्टर के बारे में पता चल गया कि किसी भी इकोनॉमी में हो सकता है चार हो, चार से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकता है दो हो, तो कोई भी इन चारों में से कुछ भी हो सकते हैं, एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं कुछ सेक्टर। तो हमने अभी अपना व्यू जो है अपने सिलेबस तक रखा है कि हमारे पास चार सेक्टर है, फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। ये सब हम क्यों बता रहे हैं? बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरी इकोनॉमी को देखेंगे। पूरी इकोनॉमी मतलब वाइडर व्यू। वाइडर व्यू मीन्स देखिए, वाइडर व्यू है ना, फर्म, फर्म्स लिखते हैं हम यहाँ पे, फर्म्स बहुत सारी, हाउस होल्ड्स। तो ये सारी चीजें हैं हमारी इकोनॉमी में, चार सेक्टर है। सो टिल नाउ वी हैड स्टडीड अबाउट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट एंड डिफरेंट सेक्टर्स इन एन इकोनॉमी। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, और फैक्टर पेमेंट होता है लैंड के अगेंस्ट में रेंट, लेबर वेजेस, कैपिटल इंटरेस्ट एंड एंटरप्राइज में प्रॉफिट। तो ये दो टॉपिक इधर हमने देखे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर पेमेंट, एंड चार सेक्टर जो होते हैं वो भी हमने देखे। फोर सेक्टर्स आर फर्म्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। तो ये चार टॉपिक जो अभी हमने देखे, ये चार टॉपिक और दो जो स्मॉल टॉपिक थे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फैक्टर पेमेंट, ये हमें ध्यान रखना है जो आगे अभी हम यूज करेंगे। अब आते हैं, थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में। हम एक कंपैरिजन करने जा रहे हैं फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में। ध्यान रखिएगा, हम फर्म्स वर्ड यूज कर रहे हैं, उस समय हमने एस नहीं लगाया था, तो आप याद रखिएगा हाउस होल्ड एंड फर्म्स। क्यों? मैक्रो हम पढ़ रहे हैं, मैक्रो में एक फर्म नहीं होती, बहुत सारी फर्म्स होती हैं। तो फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में कंपैरिजन। फर्म्स क्या करता है? फर्म्स प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज। हाउस होल्ड क्या करता है? उसको कंज्यूम करता है, परचेज करके कंज्यूम करता है गुड्स एंड सर्विसेज को। देखिए वही लिखा है, फर्म्स प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज एंड हाउस होल्ड परचेजेस गुड्स एंड सर्विसेज, कंज्यूम कर लेता है। अब फर्म्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं, रिकरिंग नेचर का है, बार बार प्रोड्यूस होगा। कैसे प्रोड्यूस होगा? विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखिए हमने लिखा ना, फर्म जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेकर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन देंगे? हाउस होल्ड देगा। देखिए यहां पे हमने एक बना दिया एरो, हाउस होल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म्स को देंगे जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा। अब फर्म उनको कुछ रिटर्न में देगा ना, ऐसे तो हम लोग कहीं जाके फर्म में काम नहीं करते, कुछ रिटर्न में मिलता है। तो रिटर्न में क्या मिलेगा? फर्म जो है हाउस होल्ड को फैक्टर्स ऑफ फैक्टर्स पेमेंट देगी। फर्म्स हाउस होल्ड को फैक्टर्स पेमेंट देंगी, जो अभी हमने देखे चार होते हैं।
तो ये तो हो गया एक कंपैरिजन फर्म्स एंड हाउसहोल्ड के बीच में। हम ये अभी धीरे धीरे सर्कुलर फ्लो की तरफ बढ़ रहे हैं, एकदम से हम नहीं बताएंगे कि मीनिंग हमने बता दी खत्म कर दिया, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। मीनिंग को बताने के पहले उसका जो एक स्केलेटल पार्ट है, जो उसके अंदर मीनिंग के अंदर जो छुपा हुआ पार्ट है, उसको हम पहले बताएंगे फिर मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। तो देखिए स्केलेटल पार्ट जो है उसका वो यहां पर हमने बना रखा है, फिर हम मीनिंग भी देखेंगे। तो पहले इधर फोकस करते हैं, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दिया हुआ है इसके अंदर तीन फेजेस छुपे हुए हैं। पहले हम तीन फेजेस के बारे में बता दें, अगर आपको ये तीन याद हो जाएंगे तो आप ये इतनी बड़ी डेफिनेशन जो है वो लर्न नहीं करेंगे अपने आप। ये तीन अगर आप याद रखेंगे तो वो डेफिनेशन पूरी आप लिख सकेंगे अपने आप बनाकर। तो चलिए पहले थ्री फेजेस देख लेते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के क्या होते हैं। देखिए पहले नेम से ही पता चल रहा है सर्कुलर फ्लो, एक सर्कल में फ्लो करेगी इनकम, इनकम सर्कुलर सर्कल में फ्लो करेगी। तो तीन फेजेस के फॉर्म में फ्लो करती है। पहले प्रोडक्शन होता है, फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज, यहां पे इनकम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, इनकम जनरेट होती है। फिर क्या होती है वो यहां इनकम फेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यहां प्रोड्यूस हुई और यहां डिस्ट्रीब्यूट हो गई। डिस्ट्रीब्यूट होगी किसके पास जाती है, हाउसहोल्ड्स के पास। हाउसहोल्ड्स क्या करता है उसको फर्दर प्रोडक्शन हाउस के पास भेज देता है, किस फॉर्म में, गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करके। जो इन्होंने प्रोड्यूस किया वो क्या होगा, जो प्रोड्यूस करेगा वो हाउसहोल्ड जो है खरीद लेगा, खरीदने के लिए वो पैसा जो है इनको रिटर्न कर देगा। तो देखिए यहां से क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई, इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होकर एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ तो उन्होंने वापस कहां भेज दिया, एक्सपेंडिचर के फॉर्म में प्रोडक्शन हाउस को, प्रोडक्शन यूनिट को। तो देखिए एक सर्कल में इनकम फ्लो होती रही, कहीं भी लीकेज नहीं हुआ, कहीं भी इनकम जो है रिमूव नहीं। ध्यान रखिएगा सेविंग एविंग हमने कुछ नहीं भी बताया है तो वो सब एजम्पशन में रहेगा। ये जो हाउस होल्ड है वो सेविंग नहीं कर रहा है, पूरा अमाउंट खर्चा कर दे रहा है, प्रोडक्शन भी पूरा हो रहा है, कुछ भी वहां पे रॉ मटेरियल का कोई भी रॉ मटेरियल बच नहीं रहा, पूरा प्रोडक्शन हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन भी पूरी इनकम का हो रहा है, कोई भी एजम्पशन नहीं हम ले रहे हैं यहां पर। तो यहां क्या किया मैंने, इनकम को प्रोड्यूस किया, वहां पे डिस्ट्रीब्यूट किया, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लोगों के पास आया तो उन्होंने एक्सपेंडिचर करके वापस प्रोडक्शन यूनिट को पहुंचा दिया। तो देखिए सर्कल चल रहा है यहां पर, तो वही देखिए सर्कल के बारे में कंक्लूजन दे दिया गया, इन दिस वे इनकम इज जनरेटेड इन प्रोडक्शन फेज। यहां पर इनकम जनरेट हो गई तो हम कह सकते हैं जनरेशन फेज है ये हमारा, सो दिस इज योर जनरेशन फेज, ये जनरेशन फेज है, इनकम यहां जनरेट होगी। फिर क्या हो रहा है, एंड रीचेज बैक इन प्रोडक्शन यूनिट एंड कंप्लीट सर्कुलर फ्लो। यहां जनरेट हुई, यहां डिस्ट्रीब्यूट हुई, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद यहां पर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, एक्सपेंडिचर होने से वहां रीचेज बैक, देखिए रीचेज बैक टू प्रोडक्शन यूनिट एंड कंप्लीट सर्कुलर फ्लो। यहां से वापस किसके पास चली जाती है, प्रोडक्शन यूनिट के पास, जिससे सर्कुलर फ्लो कंप्लीट हो जाता है। तो एक्सपेंडिचर किसके फॉर्म में होता है, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब हम आते हैं अपनी मीनिंग पे, तो आपको तीन चीज ध्यान रखनी है, प्रोडक्शन फेज जिसमें जनरेट होती है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर फेज, तीन फेज हमें याद रखने। अब आते हैं हम मीनिंग पे, आई थिंक ये तीन फेज अगर आपको याद हो गए तो आप पूरी डेफिनेशन लिख लेंगे। तो डेफिनेशन भी देख लेते हैं, बहुत ईजी है। इट रिफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन, साइकिल यहां लिख दिया, जनरेशन ऑफ इनकम, जनरेशन ऑफ इनकम कहां जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन फेज में, जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। देखिए यहां प्रोडक्शन, ये पहली लाइन लर्न हो गई आपको, प्रोडक्शन फेज में इनकम जनरेट हो रही है, तो यहां से यहां तक फर्स्ट लाइन है। इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उसको क्या किया जाएगा, यहां डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्राइज, यहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो इनकम फेज आ गया यहां पर। देखिए क्या, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये हमारा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, और ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होकर कहां वापस रीच हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट में। तो देखिए आई थिंक अगर आपको ये तीन चीज याद हो जाएगी तो मीनिंग बहुत ईजिली आप लिख सकेंगे। तो अब आप आते हैं वापस, फाइनली मीनिंग देख लेते हैं, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउसहोल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्रोडक्शन यूनिट से क्या खरीदेगा, गुड्स एंड सर्विसेज, ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय देम। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पूरी डेफिनेशन। आप अगर ये तीन स्केलेटल पार्ट याद कर लेते हैं तो डेफिनेशन इजिली लिख पाएंगे, बहुत इजी वे में हमने आपको बता दिया है। तो ये है हमारा मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में जब नेक्स्ट वीडियो जो बनाएंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे हम स्टॉक एंड फ्लो।